स्थिरता और निश्चयता। वहां पर पूरे सहअस्तित्व के साथ थे हम, यहाँ पर हम अनुभव और जागृति है ना की स्थिरता और निश्चय हम समझने की कोशिश करेंगे। निश्चयता स्थिरता सर्व मानव में चीर आकांक्षा के रूप में बनी ही है, स्वाभाविक रूप में अपन अपने आसपास अपने में ही देख पाते हैं, आसपास में भी। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व ज्ञान और स्वीकृति का आधार है। सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व ज्ञान और स्वीकृति का आधार है। यह सर्व मानव में सर्वेक्षण पूर्वक विदित होना तथ्य है। मतलब सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व ज्ञान और स्वीकृति का आधार है, यह सर्व मानव में सर्वेक्षण पूर्वक विदित होना तथ्य है। ये जो हम चीर आकांक्षा की बात कर रहे हैं और ये जो सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व है जिसको हम ज्ञान और स्वीकृति का आधार मानते हैं, है ना, कि समझना क्या है तो इसी को समझना है। जब भी हम समझने की बात करेंगे तो क्या समझेंगे, जड़ चैतन्य को समझेंगे, व्यापक को समझेंगे और स्वीकृति का आधार है। और ये तो ठीक बात है कि हम निश्चयता स्थिरता को ही चाहते हैं। आज आप किसी से भी पूछोगे, जब हमको समझ नहीं है तभी भी हम मकान बनाते हैं तो क्या सोचते हैं कि ये लंबा चले, है ना। हम कोई भी काम करते हैं कि ये टूटना नहीं चाहिए, ये खत्म नहीं होना चाहिए, मुझे मरना नहीं है, ये जितनी भी चीजें हैं हम कहीं ना कहीं निश्चितता और स्थिरता को ही चाहते हैं। और ये हर मानव में अपन सर्वेक्षण द्वारा देख भी सकते हैं। स्वयं को जांचने से भी यही स्पष्ट होता है। हम सब स्थिरता व निश्चयता को ही स्वीकार करते रहे हैं। इस दर्शन की जो सबसे सुंदर बात है कि वो यही है कि वो मानव सहज है, अस्तित्व सहज है। मतलब ये बात आप इसलिए सर्वेक्षण कर पाते हो क्योंकि वो निहित है। मतलब आप सर्वेक्षण में क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो चूंकि उसमें वो बात निहित है तो वहां से आंसर आ जाता है, तो जो है वो उसका प्रकाशन हो जाता है, न कि अस्थिरता और अनिश्चयता को। स्थिरता के सहज आधार पर ही निश्चयता का होना स्वाभाविक है। ठीक बात है ना, स्थिरता के सहज आधार पर कि कोई चीज स्थिर है इस बात पर ही हम निश्चित हो पाते हैं, है ना। तो इसलिए जैसे निश्चित आचरण हम कब हो पाते हैं, क्योंकि वो अपने आचरण में स्थिर है, वहां पर कुछ वो नहीं हो रहा है, बदल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम निश्चित हो पाते हैं। तो निश्चित आचरण का जब हम बात करते हैं तो एक स्थिरता की उसमें ही उसकी बात हो पाती है। विकास सहज निश्चयता सर्व मानव में जीवन क्रिया के रूप में प्रमाणित है। विकास सहज निश्चयता जिसको हम गठन पूर्ण परमाणु बोल रहे हैं वो सर्व मानव में जीवन क्रिया के रूप में प्रमाणित है, है ना। अब हम बोल दिए कि गठन पूर्ण परमाणु है और उसमें इतनी इतनी क्रिया होती है, तो अब इसका प्रमाण, तो प्रमाण है जीवन क्रिया है, तो हर बात का प्रमाण भी है, हम देख पाते हैं। जीवन की पांच क्रियाएं स्थिति के रूप में और पांच गति क्रिया के रूप में सर्व मानव में अध्ययन होना स्वाभाविक है। और इसका भी हम वो कर सकते हैं कि पांच क्रियाएं स्थिति के रूप में और पांच गति क्रिया के रूप में सर्व मानव में अध्ययन होना स्वाभाविक है। अध्ययन करने वाला भी मानव ही है। अध्ययन के उपरांत प्रमाणित करने वाला भी मानव है। प्रमाणित रूप में जीने वाला भी मानव ही है। मतलब इन सब चीजों को जब भी ये सब चीजें जब शिविर में होती है, बात करते हैं, जब हम जांचने की अपन बात करते हैं, जैसे चाहे मैं जब समझी या हम समझा पा रहे हैं, तो ये जितनी भी चीजें चूंकि ये मानव सहज है ना, इसलिए उसके लिए जांचना सबके लिए बहुत कोई रहस्यमय नहीं होता है। वो उसको जांच पाते हैं कि हाँ मेरी जीवन क्रिया, हाँ मैं सोचता भी हूँ, हाँ मेरे में आस्वादन हो रहा है, हाँ मैं चयन करता हूँ, है ना, हाँ मेरे में तुलन तो होता है। जब हम उसको इस शब्द के साथ, इस अर्थ के साथ संप्रेषित करने जाते हैं, तो वो जो अपने अंदर का उनका फैलाव रहता है वो धीरे 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 सुव्यवस्थित होने लग जाता है। और वो सटीकता से हम ये कह पाते हैं कि अच्छा ये आस्वादन है, अच्छा ये चयन है, ये तुलन है, ये विश्लेषण है, है ना। तो इस प्रकार से हर मानव, प्रत्येक मानव इसका अध्ययन कर पाता है, और जितना वो समझ पाता है उतना वो प्रमाणित भी कर पाते हैं, जी पाता है, है ना। तो ये हम अनुभवगामी स्थिति में, अभी की परंपरा, अभी की स्थिति में हम इन सब चीजों को
देख ही पा रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है और हो रहा है। जीवन क्रिया सर्व मानव में गति के रूप में, तो अब कैसे है जीवन क्रिया गति के रूप में, चयन मन में चयन है ना, वृत्ति विश्लेषण, फिर इच्छा, फिर संकल्प और प्रमाण के रूप में होना पाया जाता है। तो इसे परावर्तन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रकाशित क्या चीज होगी, जो गति है, गति प्रकाशित होगी और उसी को परावर्तन भी कहते हैं हम, है ना। इसी के साथ पांच स्थिति, पांच क्रियाएं, आस्वादन, तुलन, चिंतन, बोध और अनुभव क्रिया के रूप में पाया जाता है। मतलब जो एक प्रत्यावर्तन की क्रिया होती है, जब हम कोई चीज को समझते हैं, है ना, तो वो चीज फिर समझ के समझाने और जीने में परावर्तित होती है। तो इस प्रकार से पांच बल और पांच शक्ति की बात, और साधन भैया की क्लास में जीवन क्रियाओं को बहुत अच्छा किया था, है ना, उसको हम एक बार वापस देख सकते हैं। इस अध्याय के उसमें रखते हुए आप एक बार वापस उन सारी क्रियाओं को बहुत अच्छे से एक बार रिपीट कर सकते हैं। तभी मानव परंपरा अनुभव प्रमाण प्रमाणित होना पाया जाता है। जीवन की पांच स्थिति क्रियाओं को बल के रूप में तथा पांच गति क्रियाओं को शक्ति के रूप में व्यक्त करते हैं। तो जब अपन ये जो स्थिति और गति की बात करते हैं, तो ये वही बात हो गई कि जब जैसे मैं अभी थोड़ी दिन देर पहले आपको बताई कि जैसे हम शिष्ट बोलते हैं, शिष्ट मूल्य, तो शिष्ट मूल्य प्रकाशित होता है, पर शिष्ट मूल्य प्रकाशित होकर उसकी निरंतरता तभी होती है, तो वो क्या करता है, स्थापित मूल्य का प्रमाण है, है ना। मतलब तो मेरे अंदर कोई मूल्य स्थापित है, ये कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल सकता। जब शिष्ट शिष्ट मूल्य आपके निरंतर है, तो शिष्ट मूल्य से हम आदमी के बहुत बढ़िया से ये हमारे को समझ में आता है कि स्थापित होने के कारण ही ये शिष्टता है। तो दिखेगा क्या, शिष्टता दिखेगी, शिष्ट मूल्य दिखेगा, और वही मानवीयतापूर्ण आचरण है। मतलब मानवीयतापूर्ण आचरण जो दिखेगा वो क्या होगा, शिष्ट मूल्य के आधार पे दिखेगा, और वस्तु में उपयोगिता मूल्य के आधार पे। यदि उपयोगिता मूल्य दिख रहा है, इसका मतलब मेरे अंदर मूल्य स्थापित हुआ है। सदुपयोग, किसी भी वस्तु का उपयोग सदुपयोग दिखता है तो उपयोगिता मूल्य स्थापित है, ऐसा हम देख पाते हैं। तो ये एक बात है। जागृत जीवन द्वारा संबंध, उनके निर्वाह एवं प्रयोजन के अर्थ में किया गया चयन का नाम, ये जो हम पूरे अभी लाइन पढ़ रहे हैं, चूंकि ये पूरा अनुभव मूलक है ना, लेकिन आप इसको पढ़ते पढ़ते ही अपने क्रम बना सकते हैं, है ना। मतलब ये है जो जागृत मानव का जिस तरह से पूरी क्रियाएं चल रही है, पर अब मुझे चलना कैसे है, तो हम इसके लिए अभ्यास के लिए अपना क्रम बना सकते हैं, है ना। जैसे जागृत जीवन द्वारा संबंध, उनके निर्वाह एवं प्रयोजन के अर्थ में किया गया चयन का नाम आशा, सुख से जीने की आशा, है ना, यह पहली जीवन शक्ति है, ठीक है। अब ये जागृत जीवन की बात हो रही है कि संबंध, उनके निर्वाह एवं प्रयोजन के अर्थ में किया गया चयन का नाम। तो अब अपन यहाँ क्या करेंगे कि अभी जैसे हम बच्चों के साथ काम करें, अभी उस बच्चे को प्रयोजन नहीं पता चलेगा, अभी भाषा रूप में बात हो रही है, प्रयोजन पता नहीं चलेगा, संबंध भी अभी पूरा पता नहीं चलेगा बच्चे को। तो संबंध कैसे पता चलेगा, तो अपन क्या शुरू करते हैं, संबोधन, संबोधन से शुरू करते हैं। पर संबोधन कराने वाले को, अध्यापक को ये पता होता है कि ये संबोधन क्यों है ना, ये सिर्फ जी लगाना, आप लगाना, भाई जी बोलना, बहन जी बोलना, माता जी, ये नहीं है, है ना, ये इसका आधार है, इसके बाद हमको कहाँ पहुंचाना है, ये अध्यापक को पता होता है। तो संबोधन से हम संबंध की पहचान तक अपन लेके जाते हैं। संबंध की पहचान होने पर ही उसमें निहित मूल्य हम देख पाते हैं और उसका निर्वाह कर पाते हैं, है ना। और आगे जाकर ये समझ में आता है कि अच्छा इसका प्रयोजन क्या, तो ये एकदम से समझ नहीं आएगा, लेकिन अनुभवगामी में हम इसके लिए क्रम बना सकते हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। तो पहली जीवन शक्ति, दूसरा आशा के अनुरूप, अर्थात जागृत जीवन सहज आशाओं के आधार पर विश्लेषण संपन्न होना ही विचार है, ठीक है ना। अब जिस हम संबंध की बात कर रहे हैं, निर्वाह की बात कर रहे हैं, प्रयोजन की बात कर रहे हैं, उसका हमने चयन किया, और उस चयन के अनुरूप अगर मेरा विश्लेषण होता है ना,
तो उसके अनुरूप विश्लेषण होना, ये जागृत मानव की बात है। तो इस पर इसको हम यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं कि जो मैं कर रही हूँ, संबोधन है, सहयोग है, ये इसके ही आधार पर मैं और आगे बढ़ने के लिए मेरा विश्लेषण हूँ, तो उसको हम ऐसे सजा सकते हैं। तीसरा, जागृत जीवन के विश्लेषण के अनुरूप चित्रण होते रहना ही इच्छा है। जागृत जीवन के विश्लेषण के अनुरूप चित्रण होते रहना ही इच्छा है। इस पूरे पैराग्राफ से ये भी लग रहा है कि हम एक अनुकरण अनुसरण वाले भाग में भी इस बात को बहुत अच्छे से अपने में लागू कर सकते हैं, है ना, कि जो बात यहाँ पर अनुभव मूलक आ रही है, अनुभव संपन्नता के साथ आ रही है, हम उसको उसके अनुकरण अनुसरण के आधार पर अपना डिजाइन बना सकते हैं, जिसके लिए मैं स्पष्ट हूँ कि अभी मेरा अनुभव संपन्न नहीं हूँ पर मुझे वहां तक पहुंचना है, तो हम इसी तरह से अपनी आशा विचार इच्छा को सजा सकते हैं। तो जागृत जीवन के विश्लेषण के अनुरूप चित्रण होते रहना ही इच्छा है। चौथा, जागृत जीवन के न्याय धर्म सत्यता को प्रयोजित और व्यवहारित करने का नाम विटंबना। पांचवा, अनुभव सहज प्रमाणों का प्रामाणिकता नाम है। इस प्रकार पांच शक्तियों का होना मानव को समझ में आता है, इसी प्रकार पांच बलों की भी प्रामाणिकता है। तो अपन अपनी जो हमारी जीवन क्रियाएं है ना, चयन, आस्वादन, तुलन, विश्लेषण, चित्रण, अभी अगर हम इतने को भी ले लें, तो इतने भाग में यदि हम इस पूरी बात का, जो भी हमको मानवीयतापूर्ण आचरण, अभी अगर हम सिर्फ मानवीयतापूर्ण आचरण को अपना नेक्स्ट स्टेप बनाए और उसके आधार पर सर्व शुभ के लिए अगर मैं अपने चयन, आस्वादन, तुलन, विश्लेषण और चित्रण, इस भाग पे यदि हम काम करना, अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो निश्चित ही एक समय ऐसा आता है कि वो जो चित्रण है वो सह अस्तित्व से भर जाता है ना? मतलब अब वो चित्रण, इसको मैं एक जो पांचवी तक का जो पाठ्यक्रम है उसकी एक बात क्रम बताना चाहूंगी यहाँ पर, कि कैसे चित्रण अभ्यास पूर्वक सह अस्तित्व का चित्रण हमारे अंदर चित्रित हो सकता है। बच्चे को जैसा बताया जाता है, प्री प्राइमरी में है कि हम खाली संबोध, बच्चा बस बोलना आ जाए उसे, उसको समझाया नहीं जाता है प्री प्राइमरी में, है ना। अब क्लास वन से जो बात शुरू होती है, अब वहां पर कि माँ जो सेवा कर रही है, सहयोग कर रही है ना, तो क्यों यहाँ पर माँ क्यों, ये समझ में आता है। व्यवस्था के अर्थ में माँ क्यों, व्यवस्था के अर्थ में पिता क्यों, व्यवस्था के अर्थ में गुरु क्यों, है ना। तो अब क्या हो रहा है, एक बच्चे को ये दिख रहा है कि मेरे होने रहने में माँ का क्या वो है ना भूमिका है, पिता की क्या भूमिका है, भाई बहन की क्या भूमिका है, गुरु की क्या भूमिका है, क्योंकि वो उस समय ग्रो कर रहा है ना, उस समय वो समझदार नहीं हुआ है। अब वो उस भूमिका को देख पा रहा है कि अच्छा, तो फिर अच्छा मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज की क्या भूमिका है ना। तो ये भी बच्चा देख पाता है, क्योंकि एक वर्ष मतलब पूरे 8 वर्ष तक करीब करीब भाषा रूप में तो वही जाता है ना। अब अपने बच्चे का अपना संस्कार है, बच्चे का अपना वातावरण है कि वो कितना उसके अंदर वो चीज स्थापित हो पाती है, पर भाषा रूप में तो यही चीज जा रही है। अब जा रहा है कि प्रकृति से उसे क्या मिल रहा है, तो ये जो सारी चीजें बच्चे के अंदर जाती है, तो एक समय उसके चित्रण में वो सह अस्तित्व ही चित्रित होता है। सह अस्तित्व का अर्थ ही ये है कि सबके होने रहने में मैं अपने होने रहने को देख पाऊं। तो इस बात को जब वो चित्रण बन जाता है, तो अगर पांचवी तक ये चित्रण बन जाता है, अगर आज की स्थिति में हम देखें, तो शायद अभी हमको 8वीं तक बोलना ठीक रहेगा ये बात, कि और हमको अगर 3 साल मिलते हैं इस चीज के, तो और अच्छे से चित्रित होगा। तो जो बच्चे और 8वीं तक हैं और आगे जाएंगे तब तो और अच्छा है, तो ये बात बहुत बढ़िया से हो सकती है। अब क्या होगा, अब उनका विश्लेषण भी वही होगा, अब उसकी इच्छा भी वही होगी, क्योंकि हमने तो उसकी कल्पनाशीलता को वास्तविकता यथार्थता से जोड़ना शुरू कर दिया है, भले भाषा रूप में। अब वो उस भाषा से, शब्द से अर्थ की ओर जाएगा, अब अर्थ से जब वास्तविकता को देखने जाएगा, तो वही तो वास्तविकता है। आज देखा जाए तो वही तो वास्तविकता है कि हाँ भाई, माता पिता ने भी ये किया, इन्होंने ये किया, यही तो वास्तविकता है जिसको हम देख पाएंगे, और ऐसे करके हमें सत्यता तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक बात थी जो बहुत अच्छा, इसके लिए बार बार चेतना विकास मूल्य शिक्षा जो भाई बहन लिखे हैं हमारे, है ना, मतलब ये बात मैं आज भी, हम सारा, हमारी सारी बहनें हर बार इस बात के लिए सोचती हैं कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा की पहली से पांचवी तक की पुस्तक अगर आप लोग वो पढ़ के देखेंगे, तो आपको लगेगा कि पूरा दर्शन भाषा रूप में
एक बच्चे की उम्र के अनुसार कैसे जा सकता है, उसको इतना सुंदर लिखा गया है, तो वो एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इसमें एक ये भी सूचना साथ में, अगर किसी को विद्यालय की थोड़ी भी ऐसा लगता है कि से वो है, आपके पास अनुकूलता है, आप सोच रहे हैं कि हम कर सकते हैं, तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा की बुक और संबोधन सहयोग आज्ञा पालन नियंत्रण, ये चार जो बाबा जी ने मार्गदर्शन दिया है, इसकी बहुत बढ़िया तैयारी विद्यालय के सेटअप में सभी बहनों ने कर रखी है, तो उसके लिए हम सब हमेशा आप लोग के सहयोगी होना चाहेंगे, है ना। और वो बुक का भी अध्ययन अभी हमारे अभिभावक कर रहे हैं और बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट है। तो ये बात है। अब हम उसकी बल, पांच बलों की भी प्रामाणिकता है इस बात को देखते हैं। जागृत जीवन में अनुभव एवं उसकी निरंतरता क्रिया का नाम आत्मा। जागृत जीवन में अनुभव एवं उसकी निरंतरता, ये जो क्रिया हो रही है ये है आत्मा। अनुभव के यथावत बोध करने वाली, पूर्णतया स्वीकार करने वाली क्रिया का नाम है बुद्धि, है ना। एक तो है कि अनुभव हो गया, अब उस अनुभव को बोध करना और स्वीकारना, तो स्वीकारने वाली जो क्रिया है वो है बुद्धि। कैसे कोई, कैसे वो चीज अनुभव मूलक में भी वो चीज कैसे बहेगी, कैसे फलित होगी, और हर क्रिया का क्या उसमें रोल है, मतलब यहाँ पर भी, अब जैसा कल कई मुद्दों में ये बात हुई, यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी आप मन का अवमूल्यन नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर आप आत्मा का अधिमूल्यन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब सह अस्तित्व में ही सच के प्रमाणित होंगे। अपने आप में आत्मा भी कुछ नहीं है और अपने आप में मन भी कुछ नहीं है। इसको हम देख पाए कि इस पांच जो पॉइंट है, इसमें आप इतने सुंदर से हर पॉइंट में एक एक चीज जो जुड़ रही है उसको आप देखना, कि वो चीज, जो चीज मन में हो रही है वो वृत्ति नहीं कर सकती, जो वृत्ति में हो रही है वो चित्त नहीं कर सकता, जो चित्त में हो रही है वो बुद्धि नहीं कर सकता, लेकिन जो, मतलब जो चीज जहां है वो वही है, वो उसी की प्रॉपर्टी है। ये बहुत सुंदर बात अपन इसमें देख सकते हैं कि अनुभव के यथावत बोध करने वाली अर्थात पूर्णतया स्वीकार करने वाली क्रिया का नाम है बुद्धि। तो एक अनुभव हुआ, उसकी निरंतरता हुई, अब उस अनुभव को स्वीकार किया बुद्धि ने, है ना। अब उस बुद्धि ने जो स्वीकार किया, तो अनुभव न्याय धर्म सत्य को स्वीकार करने की निरंतरता को बनाए रखने वाली जो क्रिया है उसका नाम चिंतन है। मतलब बोध हुआ, स्वीकार हुआ, अब उस स्वीकारिता को निरंतर बनाए रखने का जो काम है वो कर रहा है चिंतन। वो चिंतन की क्रिया है कि हर समय वो निरंतर उसको बनाए हुए है। साक्षात्कार किया गया न्याय धर्म सत्य को अनुभव मूलक विधि से तुलन करने वाली क्रिया का नाम है वृत्ति। जो अनुभव बोध ने स्वीकार किया और चित्त में उसकी निरंतरता बनी, अब उस चिंतन के आधार पर हम जो तुलन कर रहे हैं, है ना, अब उस न्याय धर्म सत्य के लिए उसको जो हम तुलन कर रहे हैं वो काम है वृत्ति में होने वाला। और जब तुलन के अनुसार अब आप देखिए कि जो मूल्य चरित्र नैतिकता का जो प्रकाशन होगा, है ना, पर उसकी जो वो सारी चीज कैसे यहां तक पहुंची, क्योंकि तुलन हुआ, अनुभव को स्वीकारा गया, अनुभव की निरंतरता और फिर उसके न्याय धर्म सत्य के आधार पर तुलन, अब तुलन के अनुसार संपूर्ण मूल्य चरित्र नैतिकता की अपेक्षा अथवा आस्वादन करने वाली क्रिया का नाम है मन। तो ये इस प्रकार से ये सारे बल और उसके बाद वो गति, इस तरह से हम, तो जब हम प्रकाशित होते हैं तो अब अपन देख पाते हैं कि जिसको हम बोलते हैं मन, है ना, अभी हमारा मन किन आस्वादन चयन में लगा हुआ है ना, और यहाँ किस आस्वादन चयन की बात हो रही है, जब हम अनुभव मूलक पढ़ रहे हैं। अब आप इसी को अनुभवगामी कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे अपन बार बार बात कर रहे हैं कि आप मूल आचरण को अभी केंद्र, मानवतापूर्ण आचरण, तो इसमें वही बात है कि मन में अब मूल्य चरित्र नैतिकता की जो भी परिभाषा, जो भी व्याख्या दर्शन में दी गई है, आप उसके अनुसार अब आस्वादन चयन में लग जाइए। उस आस्वादन चयन से क्या होगा, तुलन में वो काम होने लगेगा, तुलन से चित्रण बनेगा। तो ये सारा जो क्रम है, अगर मेरे चित्रण में सह अस्तित्व स्थापित हो जाता है, तो जो सबसे पहले साक्षात्कार होगा वो कृतज्ञता मूल्य का होगा, ना। तो कृतज्ञता मूल्य से ही तो सह अस्तित्व प्रकाशित होगा ना।
अगर मैं मेरे होने रहने में, मैं अपने होने रहने को देख पाई, अगर मैं उसको समझ पाई, तो इसका प्रकाशन कैसे होगा? कृतज्ञता से होगा। तो निश्चित ही सबसे पहला साक्षात्कार जो मूल्य होगा वो कृतज्ञता का होगा। और यदि कृतज्ञता मूल्य का साक्षात्कार हो जाता है, तो एक बहुत अच्छी बात दर्शन में है कि बाबा जी ने जो भी क्रम बनाए हैं किसी भी चीज के, है ना, चाहे मानव, देव मानव, दिव्य मानव, है ना, मतलब हर चीज ना क्रम से अपने आप उपलब्धि है ये सारी। कि अगर कृतज्ञता मूल्य का साक्षात्कार हो गया, तो आप देखना पीछे पीछे सारे मूल्य है। फिर बस एक बार कोई चीज का प्रसव होने की बात है, फिर उसके बाद फिर कहीं रुकती नहीं है गाड़ी। तो सारा पुरुषार्थ हमारा चित्रण तक है ना। अगर मेरे चित्रण में, अगर मेरे चित्रण तक के अभ्यास में सह अस्तित्व आ गया, और मैं अभ्यास पूर्वक, मानवीयता पूर्वक आचरण में जीने लग गई, तो यही मेरा अभ्यास मेरा स्वत्व बन जाएगा। ये बीच में जो घटना घटेगी उस समय इस तरह से सहज रूप में हो जाएगा, मतलब ऐसा मैं, मुझे लगता है। एक बात यहाँ पर ध्यान आती है, बाबा जी से बात हो रही थी कि बाबा जी को से बाबा जी हमको बोले कि जो मेहनत आप लोग मन वृत्ति चित्त में कर रहे हो, है ना, इस चीज को पाने के लिए, उतनी मेहनत मैंने उसमें ऊपर की तीन क्रियाओं में की थी आप तक पहुंचाने के लिए। पकड़ा पा रही हूँ अपनी बात? उन्होंने कहा कि आपको नीचे की क्रियाओं में मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, मतलब हम सबको पुरुषार्थ किस चीज के लिए करना है, चित्रण में सह अस्तित्व स्थापित हो जाए, है ना, इस चीज के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये हमारा पुरुषार्थ है जिसमें हमको समय लग रहा है। तो बाबा जी को समय किस चीज में लगा? जो अनुभव हुआ उसको संसार को जब मुझे देना है, तो अनुभव से बोध, बोध से चिंतन तक आने में उनको उतना ही समय लगा, और चित्रण बन के फिर ये चीजें बहुत स्वयं स्फूर्त ललित हो गई। तो बोले कि हमको भी उतना ही समय लगा है, तुमको भी उतना ही समय लगेगा। ये एक बात उनके साथ हुई थी। और इसी के साथ, हालांकि इससे बहुत वो नहीं हो रहा है, पर फिर भी मेरे को एक बात याद आ रही है। अपना कभी कभी वो चीज में सच में लगता है कि हमारी कल्पनाएं कहाँ कहाँ दौड़ती रहती है। जब बाबा जी को पहले सुनते थे ना, तो बार बार बाबा जी बोलते थे कि मेरे को प्रकृति खुल के दिखी, एक एक परमाणु लाइन में दिखा, ऐसा दिखा। तो प्रकृति खुल के दिखे बोलने से ना, तो आप मानेंगे नहीं, मेरे अंदर ना ऐसी कल्पना आती थी कि किसी दिन कुछ खुल जाएगा और मेरे को दिखेगा। पता है कि जो बचपना बुद्धि भी बोल सकते हैं इसको, तो वही कल्पना चलती थी कि खुल के दिख जाएगा, प्रकृति दिखेगी, परमाणु दिखेगा, है ना। तो एक दिन बाबा जी से ऐसे पूछ भी लिए हम, तो कि बाबा जी क्या हमको भी ऐसे ही प्रकृति खुल के दिखेगी? मतलब प्रकृति खुल के दिखेगी, उसमें मेरी कल्पना कुछ और थी, और मैं कि ऐसे ही खुल के दिखेगी, तो क्या हम भी प्रकृति से ही समझेंगे? तो बाबा जी बोले, हाँ आप लोग भी प्रकृति से ही समझोगे, और आप लोग प्रकृति से ही तो समझ रहे हो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं भी तो एक प्रकृति हूँ, और आप लोग मेरे से समझ रहे हो। मतलब उस दिन पहली बार, मैं अगर सही बोलूं, तो वो जो एक मानव प्रकृति से अलग है, ये जो पता नहीं कहाँ से घुस जाता है, वो अपने जगह पे आए, मानव भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। और यदि हम बाबा जी से समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम प्रकृति से ही समझ रहे हैं। तो ये एक बात बहुत अच्छी उस समय पकड़ में आई थी। तो आगे बढ़ते हैं, समय का थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ मैं, थोड़ा आगे पीछे होए का लग रहा है। जागृत मानव में इस प्रकार पांच बल एवं पांच शक्तियों का स्पष्टीकरण जीवन में होने वाली क्रिया के रूप में है। जागृत मानव में प्रमाण अथवा संपूर्ण प्रमाण सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व में अनुभव का ही प्रकाश है। अनुभव के प्रकाश में प्रमाण के अतिरिक्त कोई दूसरा वस्तु समाहित रहता ही नहीं है। इसलिए प्रमाणों को परम, पावन, पूर्ण नामों से भी इंगित करते हैं, है ना, जिसको हम प्रमाण बोल रहे हैं, जैसे हम परम, पावन, पूर्ण नामों से भी इंगित करते हैं। अब इसमें आप मूल्य देख ही पाते हो, जैसे अनन्यता का है, पूर्ण मूल्य है, जिसको हम देखते हैं, जो हमको व्यापक सह अस्तित्व, ये सारी चीजें, तो जिसका प्रमाण दिख रहा है, ये सब परम, पूर्ण और पावन नाम से इंगित होते हैं। दूसरे क्रम में अनुभव प्रमाणों की परम स्वीकृति, अनुभव प्रमाणों की परम स्वीकृति संकल्पों में,
संकल्प का चित्रण इच्छाओं में, इच्छाओं का विश्लेषण विचारों में, ऐसे विचारों का आस्वादन मूलक विधि से चयन क्रिया आशाओं में संपादित होना समझ में आता है। जैसा अपन एक फ्लो देखे ही है, उसको आप इसमें जोड़ भी सकते हो। अनुभव मूलक विधि से ये सभी 10 क्रियाओं में निश्चयता स्पष्ट होती है। अगर हम ऐसा देख पाते हैं तो हर मानव इस निश्चयता को देख सकेगा। जीवन ज्ञान संपन्नता विधा में यह अध्ययन गम्य वस्तु है। जीवन ज्ञान संपन्नता विधा में यह अध्ययन गम्य वस्तु है। तो अगर मुझे जीवन ज्ञान होगा तो कैसे होगा? तो इसी अध्ययन से होगा। ये जो अपन बात कर रहे हैं कि हम इन क्रियाओं को देख पाए, इन क्रियाओं के क्रम को देख पाए, इन क्रियाओं के अपनी भूमिका को देख पाए, तो यही तो जीवन ज्ञान की बात है, यही तो अध्ययन की वस्तु है। स्थिति क्रियाएं अनुभवगामी और अनुभव मूलक विधि से अभिव्यक्त होना। स्थिति क्रियाएं अनुभवगामी अनुभव मूलक विधि से अभिव्यक्त होना और अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित होना सार्थक है ना? मतलब अनुभवगामी और अनुभव मूलक विधि से अभिव्यक्त होना पर प्रमाणित कैसे होगा? तो अनुभव मूलक विधि से ये प्रमाणित होना सार्थक है। मानव परंपरा में से के लिए तीसरा कोई सार्थक प्रक्रिया विधि अस्तित्व में नहीं है। मतलब आज की तारीख में अगर हम बोले तो इससे सार्थक विधि मानव के अध्ययन के लिए नहीं है। मानव सहज विधि से आवश्यकता के आधार पर यही परम होना पाया जाता है। मानव लक्ष्य ही परम आवश्यकता के रूप में पहचानने में आता है, समझ में आता है, फलतः मानव सचेष्ट होता हुआ भी देखने को मिलता है। मतलब मानव लक्ष्य ही परम आवश्यकता के रूप में पहचानने को आता है, समझ में आता है, इसीलिए फलतः मानव सचेष्ट। मतलब हम सब आज क्यों चेष्टा कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब चीजें हमको पहचानने में आ रही है। तो जहां भी ये चीज जा रही है, जिसके साथ भी हम ये बात कर रहे हैं, जिसको भी हम ये समझा रहे हैं, अपन देख पा रहे हैं कि हर कोई इसके लिए सचेष्ट हो रहा है। तो ये भी एक सर्वेक्षण है जिससे भी हमको निश्चयता है ना, ये सारी चीजें हमारे अंदर एक निश्चयता स्थिरता लेके आएगी। मानव लक्ष्य मतलब अनुभव के लिए और जागृति के लिए। मानव लक्ष्य समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व है, यह अनुभव मूलक विधि से ही प्रमाणित होना पाया जाता है। जब भी हम प्रमाणित होने की बात बोलते हैं तो ये अनुभव मूलक ही होगा, है ना? अभी हम हर चीज हम करेंगे, लेकिन हम ये अभी जब तक वो निरंतरता ही एक्चुअल में प्रमाण होगा, है ना? अनुभव जीवन सहज प्रमाण एवं वैभव क्रिया है। अनुभव जीवन सहज प्रमाण एवं वैभव क्रिया है। इसके आधार पर ही प्रमाण परंपरा मानव कुल में चरितार्थ होना समीचीन है। इसी क्रम में हमें निश्चयता को प्रमाणित करने का सौभाग्य स्पष्ट हो जाता है। यह हर नर नारी के लिए समीचीन है। तो इसी क्रम में हमें निश्चयता को प्रमाणित करने का सौभाग्य स्पष्ट हो जाता है। जो हम सबसे पहली लाइन पढ़े थे कि चीर आकांक्षा है ना, हमारे अंदर निश्चयता और स्थिरता की जो चीर आकांक्षा है, अगर हम इस सब मतलब अस्तित्व दर्शन ज्ञान करते हैं, जीवन ज्ञान की तरफ जाते हैं, मानवीयता पूर्ण आचरण के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो ये प्रमाणित करने का सौभाग्य हमको स्पष्ट हो जाता है और ये हर नर नारी के लिए समीचीन है। अनुभव ही जागृत और जीवन की परम अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन है। मतलब उससे ज्यादा कुछ और प्रकाशित है नहीं, वो अपने आप में पूर्ण है। अनुभव ही जागृति और जीवन की परम अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन है। परम का तात्पर्य उससे ज्यादा और कुछ है नहीं, अनुभव से ज्यादा होता नहीं, उससे कम में जीवन अधूरा ही रहता है, जीवन उससे कम में अधूरा ही रहता है। अनुभव पूर्वक मतलब जब तक हम उस पूर्णता को पा नहीं जाएंगे, तब तक एक हम अपने आप में ही हमको पता रहेगा और हम उस और गतित ही रहेंगे, तो उससे ज्यादा कुछ होता नहीं। अनुभव पूर्वक जीवन में तृप्ति होना पाया जाता है। जीवन तृप्ति अपने आप में मानव परंपरा में समाधान समृद्धि अभय के आधार पर सुख शांति संतोष के रूप में पहचानना होता है। जीवन तृप्ति अपने आप में मानव परंपरा में समाधान समृद्धि अभय और सुख शांति संतोष के रूप में पहचानना होता है। सह अस्तित्व में अनुभव ही परम है, यही आनंद है ना? अपन जो बात किए थे कि आत्मा में अनुभव
और उसकी निरंतरता, तो ये आनंद की स्थिति है ना। अब उसका जो बुद्धि चित्त वृत्ति उसमें जो है वो क्या है, समाधान समृद्धि अभय और सुख शांति संतोष के रूप में उसका प्रकाशन है। इनका अर्थात मानव लक्ष्य का मूल्यांकन प्रणाली व्यवस्था में समाहित रहता है। जैसे अपन एक सह अस्तित्व में अनुभव ही परम है, यही आनंद है। इसका प्रमाण मानव परंपरा में से के लिए परम है। इनका अर्थात मानव लक्ष्य का मूल्यांकन प्रणाली व्यवस्था में समाहित रहता है, यही न्याय सुरक्षा व्यवस्था है ना। मतलब मानव परंपरा में से के लिए परम है। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि समाधान समृद्धि सह अस्तित्व, समाधान समृद्धि अभयता, सुख शांति संतोष के साथ यदि हम प्रकाशित होते हैं, तो इस प्रकार से मानव लक्ष्य का मूल्यांकन प्रणाली व्यवस्था में समाहित रहता है, यही न्याय सुरक्षा व्यवस्था है। तो न्याय सुरक्षा विधि से मानव हर स्थिति गति में विश्वस्त रहना, आश्वस्त रहना पाया जाता है। मतलब यहाँ पर अभी अपन जो न्याय सुरक्षा की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये जो समझ समझ को देख पाना, अभी हम क्या होता है कि अभी हम करने और उसको देख पाते हैं, पर जो समझ को देख पाएंगे तो एक्चुअल में यही हमारी आज पूरी समझ नहीं है। फिर भी जैसे न्याय की याचना, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक, सत्य वक्ता, अगर इतनी बात भी सूचना के रूप में भी अगर हमको मिली हुई है, तो हम देख पाते कि हम बच्चों के लिए तो हम वो उस बात की सुरक्षा कर ही पाते हैं कि बच्चे को जो उसका उसके साथ वो न्याय हो पाए है ना, और उसके अंदर वो आश्वस्ति आ पाए, तो इसका अपन वो देख इसकी एक झलक यहाँ देख पाते हैं, जबकि अभी सिर्फ सूचना है, तब ये रिजल्ट है ना। न्याय सुरक्षा विधि से मानव हर स्थिति गति में विश्वस्त रहना, आश्वस्त रहना पाया जाता है। यदि न्याय सुरक्षा विधि रहेगी तो मानव विश्वस्त और आश्वस्त ही होगा। फलस्वरूप जीवन सहज संपूर्ण वैभव मानव परंपरा में प्रमाणित होने का मार्ग प्रशस्त रहता है। अरे ये सारी चीजें हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जब ये सारी चीजें प्रकाशित होंगी, तो यदि न्याय सुरक्षा विधि से हम चलते हैं तो आश्वस्त और विश्वस्त रहकर इसका वैभव है जो वो परंपरा में प्रमाणित होने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। हर कोई न्याय चाहता है, और यदि उस सुरक्षा में उस जगह पे मिलके यदि कुछ बात होती है तो हर कोई समझना ही चाहता है, यही जागृति परंपरा है। जीवन तृप्ति का प्रमाण मानव का अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी होना है। मानव परंपरा में व्यवस्था होना, व्यवस्था विधि से ही समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व प्रमाणित होना स्वाभाविक रहता है। अब ये सब स्वाभाविक में चला जाएगा, अब हमको इसके लिए कुछ करना है नहीं है, और ना उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प होता है, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण बात है। यही जागृति का भी प्रमाण है, संपूर्ण मानव जीवन का भी प्रमाण है, मानव परंपरा का परम वैभव है। प्रयोजन रूपी व्यवस्था ही मानव परंपरा की सर्वोच्च उपलब्धि है। इन्हीं उपलब्धियों में स्थिरता और निश्चयता स्पष्ट है ना। प्रयोजन रूपी व्यवस्था ही मतलब हर चीज प्रयोजन के अर्थ में सजी हुई है, हमको उसको समझना है, और हमारा अपने प्रयोजन को मैं पा जाऊं और उसमें सज जाऊं, तो यही सर्वोच्च उपलब्धि है। और इसी उपलब्धियों में स्थिरता और निश्चयता है, मतलब यही चीज है जो इसको हम बोल रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, तो यही हमारा शाश्वतपन है, जो चारों अवस्थाएं अपनी निश्चितता में स्थिरता में निरंतर बनी रहे। मानव परंपरा जागृत होने में स्थिरता अस्तित्व सहज विधि से प्रमाणित होता है, सुस्पष्ट होता है। मानव परंपरा जागृत होने में स्थिरता अस्तित्व सहज विधि से प्रमाणित होता है, सुस्पष्ट होता है। निश्चयता मानवीयता पूर्ण आचरण विधि से प्रमाणित होता है ना। मतलब एक निश्चित आचरण जिसको हम मानवीयता पूर्ण आचरण बोल रहे हैं, मानवत्व बोल रहे हैं, तो ये आचरण विधि से प्रमाणित होता है, सुस्पष्ट होता है। इसकी अपेक्षा मानव में पीढ़ी से पीढ़ी में रहा आया है। हर मानव की शुरुआत इस बात से होती है कि वो उसको न्याय चाहिए, और वो अपने आप को न्याय प्रदायी तक ही लाना चाहता है ना। तो न्याय की चाहना और न्याय प्रदायी, ये दोनों काम जब होते हैं तो ये हर पीढ़ी में ये बना ही रहा है। इस प्रकार मानव का विकास और जागृति को, और ये बना रहा है, मतलब जहां जहां ये नहीं हो पाया,
उसी का ये जो समस्या जिसको हम बोलते हैं व्यक्ति में, परिवार में, समाज में, प्रकृति, ये जो जहां भी जो आज हमको जो अव्यवस्था दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बात की रिक्तता बनी हुई थी और जो अब हमको पकड़ में आ गई है, समझ में आ गई है, धरती में उसका प्रकाशन हो गया है, क्योंकि ये मानव में पीढ़ी से पीढ़ी रहा आया है। इस प्रकार मानव का विकास और जागृति को प्रमाणित करने में समर्थ होना ही मानव का उत्थान, वैभव, राज होना पाया जाता है। इस प्रकार मानव का विकास और जागृति को, है ना, मतलब मैं गठनपूर्ण परमाणु हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं सब कुछ को समझ सकता हूँ, मैं समझ गया हूँ, है ना, मैं क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के साथ हूँ, इस बात का जिस दिन हम सत्यापन कर देंगे, यही एक्चुअल में मानव का वैभव है, मानव का उत्थान है और यही हमारा राज्य है। राज्य का परिभाषा ही वैभव ही है। उत्थान का तात्पर्य मौलिकता रूपी ऊंचाई में पहुंचने से या पहुंचने के क्रम से है ना, मतलब आज हम वहां नहीं पहुंचे हैं, पर यदि हम उस क्रम में भी हैं, तो उत्थान का तात्पर्य मौलिकता, मतलब मानव की मौलिकता क्या है, मानव का इस धरती पे क्या प्रयोजन है, उसकी क्या ऊंचाई है, उसको पा लेना ही उत्थान है और उस क्रम में है, ये भी उत्थान है। वैभव अपने स्वरूप में परिवार व्यवस्था और विश्व परिवार व्यवस्था ही है ना। वैभव जिसको हम बोल रहे हैं कि मानवीयता पूर्ण आचरण, जीवन ज्ञान, सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान से होगा क्या, तो समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व, जो एक विश्व परिवार से लेके विश्व परिवार व्यवस्था की बात है, उसमें ये सब चीज समाहित हो जाती है ना। ऐसी व्यवस्था में भागीदारी मानव का सौभाग्य है। इस क्रम में अध्ययन शिक्षा संस्कार के रूप में उपलब्ध होते रहना भी व्यवस्था का बुनियादी वैभव है। इस क्रम में अध्ययन शिक्षा संस्कार के रूप में उपलब्ध होते रहना भी व्यवस्था का बुनियादी वैभव है। जो हम आज देख रहे हैं कि हर जगह अध्ययन की व्यवस्था है शिक्षा संस्कार के रूप में, है ना, तो ये भी बुनियादी वैभव है। मतलब आज हम सब ये मान सकते हैं कि हम भी उस वैभव में शामिल हो चुके हैं, मतलब जिस मानव की मौलिकता की ऊंचाइयों की बात यहाँ पर दर्शन में कर रहे हैं, तो आज ऐसा लगता है इस लाइन को पढ़ के कि यदि मैं अध्ययन में हूँ, यदि मैं शिक्षा संस्कार में जुड़ चुकी हूँ, तो इसका मतलब है कि अब हम भी इस वैभव में शामिल तो हो गए हैं, है ना। तो चाहे किसी भी पायदान में है, पर हम शामिल हो चुके हैं और अपनी उस ऊंचाइयों को पा ही लेंगे, है ना, मतलब आप शामिल हो गए हो मतलब पा ही लेंगे, तो ये एक निश्चितता आज खुद में भी महसूस हो रही है। ऐसी व्यवस्था में भागीदारी मानव का सौभाग्य है। ये सौभाग्य की बात आई तो फिर एक लाइन मेरे को याद आई कि जब बाबा जी 6 महीने के अध्ययन शिविर के लिए हमको बोले कि 6 महीने का करो, तो हम लोग के लिए वो बहुत वो था कि 6 महीने कैसे अध्ययन करेंगे, पहली बार सुने थे ऐसा। और जब दो दो बार की बात में ही हम सब तैयार हो गए कि हाँ 6 महीने का करेंगे, तो मेरे को एकदम याद है कि बाबा जी उस दिन लाइन बोले थे कि बेटा ये बहुत सौभाग्य की बात है, मतलब इतना बढ़िया बात है कि हम उस अवस्था में भागीदारी कर पाए, उसकी शुरुआत कर पाए और उस सौभाग्य में शामिल हो पाए। इस क्रम में अध्ययन शिक्षा संस्कार के रूप में उपलब्ध होते रहना भी व्यवस्था का बुनियादी वैभव है। वैभव ही राज्य और स्वराज्य के रूप में स्पष्ट होता है, सुस्पष्ट होता है। स्वराज्य का मतलब भी मानव के वैभव से ही है। यह वैभव समझदारी पूर्वक ही हर मानव में पहुंच पाता है। यह शिक्षा पूर्वक लोक व्यापीकरण हो पाता है। ऐसी व्यवस्था अपने आप में द्रोह, विद्रोह, शोषण और युद्ध मुक्त रहना, इसके स्थान पर समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक रहना पाया जाता है। यही सार्वभौम व्यवस्था का तात्पर्य है। युद्ध और संघर्ष मुक्त जागृति और प्रमाण युक्त परंपरा ही व्यवस्था का सूत्र और व्याख्या है। समझदारी पूर्वक हर मानव अर्थात नर नारी का अपनी जागृति को प्रमाणित करना स्वयं स्फूर्त प्रवृत्ति है। इन प्रवृत्तियों के आधार पर मानव का वर्तमान में विश्वास को प्रमाणित करना, कर पाना होता है। यही कड़ी है, वर्तमान में विश्वास के आधार पर ही सहअस्तित्व प्रमाणित हो पाता है। मतलब वो कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है, है ना, वो हमारे आज की स्थिति से ही वहां तक पहुंचने की बात है। जागृत मानव परंपरा में ही स्थिरता सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व विधि से प्रमाणित होता है और निश्चयता
मानवीयता पूर्वक आचरण विधि से प्रमाणित होता है। तो ये एक पूरी बात है कि हम इस बात को बहुत बढ़िया से सोच सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। और इसमें समय के अनुसार अपन चल रहे हैं, पूरी बात भी हो रही है। कोई प्रश्न है? अध्यापक विद्यालय के एक सत्र अनुभव अपेक्षित है। हाँ, ठीक बात है, ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अभिभावक विद्यालय की जो मार्गदर्शन हमको बाबा जी से मिला है ना, और उसमें हम सभी बहनों ने जितना शोध, जितने प्रयोग किए, अब हमको लगता है कि 9 वर्ष हो गए हैं, और अब हम संसार को जितना, जबकि अभी हम पूरे नहीं है, ना अध्यापक ना अभिभावक, है ना, उसके बावजूद भी ये भरोसा होना कि हाँ, ये शिक्षा व्यवस्था में जा सकता है, इससे वातावरण भी बन रहा है, अध्ययन भी हो रहा है और संस्कार भी स्थापित हो रहा है ना। चीज जो होने की है कि अध्ययन होना, संस्कार, अध्ययन और वातावरण, तो ये तीनों चीजें हो रही है, इस बात का हम सबको जब भरोसा हो गया, तो अब इस वर्ष से ही हम सोचे हैं कि जिसको भी पूरे देश में, बाहर कहीं भी, अगर अभिभावक विद्यालय जैसी शिक्षा व्यवस्था में भागीदारी करना है, ऐसी कोई व्यवस्था स्थापित करनी हो, तो शब्दशः पूरा जितना हमारे पास है, करने के रूप में, सोचने के रूप में हमको उपलब्धि हुई है, वो सब हम लोग आप लोग से शेयर करना चाहेंगे। तो अगर कोई भी, जैसे एक भाई जी ने कहा है, तो इस तरह की कोई भी होगी, तो उसके लिए पूरा अपन एक अलग से सेशन करेंगे, उस ग्रुप को बन जाने देते हैं। क्योंकि चेतना विकास मूल्य शिक्षा, बार बार मैं बता रही हूँ ये बात, कि अपने आप में एक अद्भुत वांग्मय है ना, मतलब इस पूरे वांग्मय के बाद जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा बुक लिखी गई है, वो अपने आप में प्राथमिक विद्यालय के लिए वांग्मय है, जिसको हम सबको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरे को लग रहा है कि मेरे को बहुत सारी चीजें मेरे को भी यहाँ पर स्पष्ट हुई है, और आप सब ने मेरे साथ जो सहयोग बनाए रखा, कुछ कुछ मतलब मेरे को जो विश्वास बढ़ा इस तकनीकी उसके साथ ही जुड़ने का, तो खूब धन्यवाद करती हूँ। बाबा जी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, अम्बा दीदी और सबके प्रति, अपने सभी भाई बहनों के प्रति, है ना। और मैं अगले सेशन में, जो हमारा अगला पार्ट है, उष्मा और धरती का संतुलन, तो इसको हमारे प्रदीप भैया जी हैदराबाद से, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही प्यारे इंसान है, है ना। मैं तो बस जब वो बोलते हैं तो उनको देखती रहती हूँ, है ना, क्योंकि वो इतना प्यारा बोलते हैं, इतना अच्छे से बोलते हैं, तो बहुत अच्छी प्रस्तुति है। तो आप अपन इसको यहाँ पर पूरा कर दें। नमस्ते। नहीं, मेरे को